हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरपी टिप के आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, झारखंड का जो बीएड इंट्रेंस एग्जाम का डेट है वो 23 अक्टूबर जो है रखा गया है। काफी दिन से जो है इसका जो डेट एक्सटेंड हो रहा था, और इस बार जो लास्ट डेट जो है 3 अक्टूबर जो इसका ऑनलाइन अप्लाई का डेट रखा गया था, और एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया गया था कि 23 अक्टूबर का जो है इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो उसका जो है दोस्तों एडमिट कार्ड जो है आज जो है जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसको कैसे फॉरवर्ड करना है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे उसको पासवर्ड को फॉरवर्ड करना है, कैसे जो है लॉगिन करना है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो, और अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और अपना सेंटर वगैरह से सारा चीज़ उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नहीं है या फिर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको झारखंड का जो है JCECE बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आना होगा। आप कोई भी ब्राउजर में आप टाइप करेंगे JCECE तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। जैसे ही इस वेबसाइट में आएंगे तो होम पेज आपको इस तरह से आपको ओपन होगा। यहाँ पे जो आप एक ऑप्शन देखेंगे, ऑनलाइन फॉर्म बीएड कम्बाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, इस पे आपको जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो देख सकते हैं, पे लिखा हुआ आएगा आपको कि एडमिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम एप्लीकेंट लॉगिन। तो यहाँ पे जो है डाउनलोड का जो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप यहाँ सबसे पहले जो है इस वेबसाइट में आके आप एप्लीकेंट लॉगिन जो है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना आईडी पासवर्ड से, उसके बाद ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद पासपोर्ट डालना है जो आपने पासपोर्ट रखा था, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे जो दिख रहा है वो यहाँ पे टाइप करना है, और लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप कहीं कैफे वगैरह से कहीं से कराए थे, आपको पासवर्ड याद नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर याद है लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप भूल गए नहीं है तो अपने मेल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जिस पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म में डाला था और ईमेल आईडी जो फॉर्म में डाला था वो आपको टाइप करना है, गेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो एक मेल जाएगा उस पे लिखा हुआ रहेगा आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, दोनों वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, या फिर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ रह सकता है। पासवर्ड के लिए जो है आपको अगर पासवर्ड फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद गेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है एक सक्सेस का मैसेज देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड वो आपको ईमेल आपके ईमेल आईडी पे जो है सेंड कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको कैसे दिखेगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। आपको जो है इस तरह से मेल आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा JCECEBDEAD2022 रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, और यहाँ पे ये मेल रहेगा, डियर कैंडिडेट योर JCECEBDEAD2022 रजिस्ट्रेशन नंबर इतना और पासवर्ड इतना, ये आपका लिखा जो भी आपने रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसी इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से जो है यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको रजिस्टर नंबर और पासवर्ड दिया वो यहाँ पे डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो आपका जो डिटेल्स जो है पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट वगैरह, सारा ईमेल आईडी वगैरह सारा चीज यहाँ पे जो आपको शो करेगा। और यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा जो है प्रिंट एडमिट कार्ड। अगर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट नहीं किए हैं अभी तक तो एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये कर लिया तो आपको प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपका जो है एडमिट कार्ड जो है एडमिट कार्ड जो PDF है वो यहाँ पे डायरेक्ट आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आपका ऊपर में जो है डाउनलोड हो जाएगा, आप नोटिफिकेशन बार में वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे जो है डाउनलोड हो गया, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओपन करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो एडमिट कार्ड है आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा, सारा यहाँ पे डिटेल वगैरह लिखा रहेगा, और यहाँ पे जो डेट जो रहेगा एग्जाम का डेट 23 अक्टूबर देख सकते हैं, और एग्जाम टाइम 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका एग्जाम टाइम दिया गया। सेंटर की बात करें, सेंटर यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि इसका लिखा हुआ विवेकानंद विद्या मंदिर Sector 2 धुरवा रांची, इसी तरह से आपका यहाँ पे सेंटर नाम लिखा हुआ रहेगा जहाँ भी आपको सेंटर दिया गया होगा। तो ये एडमिट कार्ड है दोस्तों, ये पूरा एडमिट कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा, और यहाँ पे जो है आपका जो सिग्नेचर लगेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम सेंटर में आपका यहाँ सिग्नेचर होगा, और ये जो इन्विजिलेटर जो रहता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का, और जो है आपका जो पासवर्ड फॉरवर्ड करने का,
जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरवर्ड करने का, ये सारा चीज़ बता दें, आपको कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, आप आसानी से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होता हो, कोई भी प्रॉब्लम होता हो, नहीं होता डाउनलोड वगैरह, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की सुनने बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।